थैंक यू। ये है आवाज, इससे पता चलता है क्या दम है। अरे ये रहा, देखो थंबनेल भी आ गया। मैंने कर दिया लाइव, थंबनेल भी आ गया, सब आ गया, लाइव कर दिया। की आवाज लगातार होनी चाहिए, मजा आएगा। आजा बैठो। ये रहा लो लिंक भी, ये रहा। रश्मि बैटिंग कर रही है और दूसरे एंड पे है प्रियंका, इस समय वर्ल्ड एंड बैटिंग कर रहा है। ज्योत्सना की कैप्टन महोगनी पहली बॉल। बहुत तेज, अच्छी बॉल। एमसीजी का ग्राउंड 10,000 दर्शकों से भरा हुआ, पूरी तरीके से लबालब। दर्शकों का उत्साह, हमारे खिलाड़ियों का उत्साह देखते बनता है। ज्योत्सना अगली बॉल। ओवर द विकेट, फोर टॉस गेंद थी, रश्मि थोड़ा सख पकाई, मगर ओवर बहुत है, अभी तो बहुत क्रिकेट खेलनी है। फील्ड पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, और ये कवर पर एक खिलाड़ी। ये है फील्ड। ज्योत्सना अगली गेंद, ओवर द विकेट। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, परेशान हुई रश्मि, यॉर्क थी, गुड लेंथ से थोड़ा आगे, अच्छी बॉल। ज्योत्सना अगली बॉल, गुड बॉल, यॉर्क बॉल, बिल्कुल सीधा चरणों में जाकर, बहुत अच्छे, आराम से चलो बेटा। फाइनल मैच वॉलनट और महोगनी के बीच, अब तक कोई रन नहीं, पहला ओवर। अगली गेंद ज्योत्सना की, हो द विकेट, फुल टॉस, बहुत बढ़िया ओवर ज्योत्सना का चलता हुआ। ये क्या रेट चलाना है? नहीं नहीं, तुम्हारा वाला ही चल रहा है ना। इस ओवर की आखिरी बॉल, पहले ओवर की आखिरी बॉल, ज्योत्सना तेरे में उठा रहा है रश्मि को, ओवर द विकेट, उल्टा रन, और एक खाता खुला छह रन के साथ। रश्मि छह, मोहम्मद छह, एक और की समाप्ति पे बिना किसी के। ये था ब्लेसिंग पॉलिक्लिनिक सिक्स ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद पर छह रन, स्कोर छह, एक ओवर में छह रन। अच्छा मौसम, बहुत ही सुंदर मौसम है, संडे का दिन है, काफी लोग यहां पर आए हुए हैं, खेल का मजा बहुत अच्छा है और होगा भी, फाइनल मैच है। अगले बॉलर शिवांगी राइटम, ओवर द विकेट, प्रियंका स्ट्राइक लेंगी। वेरी गुड बॉल प्रियंका ने, उसको धीरे से देखना होगा, इत्मीनान से छोड़ा। दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए,
शिवांगी, दूसरी बॉल प्रियंका, चार रन, चार रन, चार रन, दूसरा ओवर चल रहा है और इस समय वॉलनट का स्कोर 10 रन हो गया है बिना किसी नुकसान के। हेलो, कवर पर बहुत अच्छा ड्राइव लगाया, एक रन से उनको खुश होना पड़ा। 11 रन बिना किसी नुकसान के, दूसरा ओवर चलता हुआ। शिवांगी दूसरे ओवर की बहुत अच्छी, बहुत ही रिसर्च को उठाया, देख रहा होगा अंपायर के द्वारा, चार रन, चार रन, रश्मि समाज एचडीएफसी बैंक चौथा, 15 रन बिना किसी नुकसान के बोलना। एक एक बॉल को बारीकी से समझते हुए, और वहीं शिवांगी भी एक एक बॉल को बड़ी अच्छी तरीके से कर रही है, खेल में मजा आ रहा है। अगली गेंद फुल टॉस, धीरे से उसको घुमाने की कोशिश करें, लेकिन वहां पर खुद बॉलर ने अच्छी फील्डिंग करी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इस तरह से स्कोर 15 रन का स्कोर बिना किसी नुकसान के, और दूसरा ओवर इस समय प्रोग्रेस में है, चल रहा है। वॉलनट और महोगनी इनके बीच में ये मैच फाइनल मैच हो रहा है। आखिरी बॉल शिवांगी, बहुत अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 15 रन बिना किसी नुकसान के वॉलनट। विशाल जी बहुत अच्छी बॉल थी, जबरदस्त बॉल, अगर ये थोड़ा सा नीचे होती तो बल्लेबाजी को परेशानी में डाल सकती थी, बहुत अच्छी बॉल थी, और मानना पड़ेगा थोड़ा सा बैट लेट भी हुआ, अगर एक पद आगे होकर के इसको ड्राइव कर जाता तब शायद कुछ और मतलब निकलता इसका, नजारा दूसरा ही देखने को मिलता है। बिल्कुल ज्योत्सना अपना दूसरा ओवर, राइट ऑफ ओवर द विकेट प्रियंका, और ये नीचे, ओ माय गॉड, अच्छी बॉल थी, काफी अच्छी बॉल। तीसरा ओवर चल रहा है, 15 रन, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल, ज्योत्सना ओवर द विकेट प्रियंका को, पहली सफलता महोगनी को, प्रियंका क्लीन बॉल, ज्योत्सना द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल विकेट, पहला विकेट महोगनी को मिला जो प्रियंका के रूप में, वन रन, 15 रन से पहला विकेट गिरा। राखी कैप्टन वॉलनट, ज्योत्सना कैप्टन महोगनी, कैप्टन कैप्टन को फेस करेगा, जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर राखी इस समय, और ज्योत्सना पूरी उम्मीद और हौसले के साथ। खेलना होगा, आराम से खेला, ड्राइव का एक ब्लेसिंग पल के लिए ने ज्योत्सना जो कि महोगनी की कप्तान भी हैं, अपना दूसरा ओवर डालते हुए एक सफलता उनको अर्जित कर चुकी हैं। इस समय ब्लेसिंग पल क्लिनिक की तरफ से कोलेस्ट्रॉल और क्रिएटिनिन के इस समय फ्री में टेस्ट चल रहे हैं, जिसको वो कराना हो करा ले। अगले गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, सीधा चरणों में आके लगी, कोई रन नहीं। ब्लेसिंग पल क्लिनिक की तरफ से एक संदेश, 27-11
वो जिन लोगों ने HbA1c और LFT के अपने टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। आप चाहे तो यहाँ पर आकर या लैब से वो रिपोर्ट कलेक्ट कर ले। 4 12 को भी जो हुए थे उसकी भी ज्योत्सना अगली गेम ओवर द विकेट राखी कैप्टन बॉल ने बहुत अच्छी बहुत धीरे से बहुत लॉन्ग बॉल को ही ड्राइव किया सुंदर तरीके से अच्छे बैट्समैन की तरह। 1 रन मिला 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर बॉलर सोलह रन बॉलेट के हो चुके हैं 1 विकेट उनका नुकसान हुआ है। ज्योत्सना की दूसरे ओवर की आखिरी बॉल फुल टॉस बॉल थी लेकिन ये अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। सत्रह रन का स्कोर 1 विकेट खोकर वॉलेट ने बनाया है। ज्योत्सना आखिरी बॉल फुल टॉस बॉल लेकिन तरंगताल पर कोई रन नहीं ओवर की समाप्ति। शॉट था लेकिन वो पीछे की तरफ गया। हमारे नियमों के अनुसार विकेट के पीछे अगर बॉल जाती है तो कोई रन नहीं। आज के हमारे इस फाइनल मैच के अंपायर संजीव और सनी जबरदस्त इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ दोनों अंपायरिंग करते हुए काफी अनुभवी अंपायर शिवांगी अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए शिवांगी ओवर द विकेट अच्छी बात बहुत अच्छी बात स्विंग हुई। अगर राखी इसको ड्राइव भी करती तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका बैट घूमा है तरंगताल की तरफ ज्यादा अंदेशा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चले शिवांगी राइट आर्म ओवर द विकेट करती हैं राखी कप्तान। अच्छी पारी इन्होंने खेली थी अभी पिछले मैच में सेमीफाइनल में। अगली गेम ओवर द विकेट धीरे से पटका देखना होगा वहां पर और कोई रन नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग बढ़िया फील्डिंग कसा हुआ मैच कसी भी बॉलिंग कसी भी बैटिंग मजा आ रहा है। अगले गेम पटक के ओ ये देखना होगा दूसरी बॉल कोई रन नहीं अंपायर का इशारा कोई रन नहीं कोई रन नहीं शिवांगी अपनी चौथी बॉल फेंकने के लिए कप्तान राखी फेस करने के लिए तैयार। फील्डिंग अच्छी करी उन्होंने फटाफट से उसको उठाया देखना होगा वो वहां तक पहुंची जब तक पहुंच चुकी थी राखी। अच्छा मौका था महागुनी के पास थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ विषय थोड़ा सा बॉल पहले थी इससे मुश्किल भी होता। बिल्कुल शिवांगी अगली गेंद ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद धीरे से उसको मारा उन्होंने उसको रोका और ये देखना होगा ओ जबरदस्त फील्डिंग अमल ने शानदार हेलो हेलो पूरे 4 रन बचाए उन्होंने महामुनि के लिए शिवांगी शिवांगी धीरे से गुड लेंथ ऊपर की ओर उठी थोड़ा सा समझ में नहीं आई बॉल लेकिन अपना इशारा जो दिमाग में रखा था वो तो किया ही। ओवर की समाप्ति 4 ओवर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर वॉलनट बहुत अच्छी शुरुआत महागुनी की तरफ से अभी तक अच्छे तरीके से अंकुश लगाया हुआ है बल्लेबाजों पर। देखना है अगला ओवर कौन फेंकने आता है महागुनी की तरफ से ज्योति अगली बॉलर ज्योति महागुनी की तरफ से स्ट्राइक लेंगी राखी बॉल पे नजर रखो बहुत बढ़िया
ये करना गया क्या बॉलिंग स्प्रे ब्लेसिंग पल क्लिनिक कुछ प्लेयर को थोड़ी प्रॉब्लम हुई ट्रेवल किंग आज अपने साथ कुछ डिस्काउंटेड काउंट अपने वो कार्ड्स लाए हैं कूपन्स लाए हैं अपने सभी प्लेयर्स को देने के लिए और अपने सभी जो है प्रेमी दर्शकों को देने के लिए तो मैं भी बीच में उनको बुलाऊंगा हाँ यस जो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं मेरी उनसे विनती है कृपया करके मैच के बीच में दखल अंदाजी ना करें अगली गेंद धीरे से फुटका उसको देखना होगा वहां पर अच्छी फील्डिंग फोर रन ट्रेवल किंग चौका चार रन के साथ 22 रन का स्कोर बॉल लटका नहीं आएगा राजा दूसरी बॉल दी जाए इसमें ये मैंने शायद पीछे प्रधान से नहीं सकता हाँ हाँ मैं पहले देखा था और ये शानदार बहुत अच्छी बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बिल्डिंग नहीं हाइट पे आ जाएगा बहुत अच्छी आ जाएगा हाइट तो आएगा ये यहाँ तक नहीं आ रहा है नहीं आएगा आ जाएगा नहीं आएगा ये नहीं आ रहा है ना नहीं ये कम हो नेहा ने बहुत अच्छी फील्डिंग जो की अगली गेंद और ये
से खेलूं मैं तरंग बनके हौसलों की उड़ान। रिया अब अगली बॉलर जो कि छठा ओवर कर रही है। रिया छठे ओवर की पहली बॉल कैप्टन राखी को। ओ नीची रही थोड़ा सा टर्न भी लिया। अच्छी बॉल रिया की। बहुत अच्छा मैच चल रहा है इसमें। रिया की छठे ओवर की दूसरी गेंद फुल टॉस। नीरज से इसको मिड ऑन की तरफ देख रहा होगा। वहां पर चूका बाल बाल बची। खतरा हो सकता था वॉलेट के लिए। भयंकर खतरा। रिया की अगली गेंद धीरे से स्कोर। ये शानदार कवर ड्राइव। ये था HDFC सिक्सर। रिया राखी अपने पुराने अनुभव को पूरा आजमाते हुए अपनी फॉर्म की ओर से करते हुए अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। बिल्कुल अच्छी बॉलर, अच्छी बैट्समैन, अच्छी फील्डर। 35 रन का स्कोर बैटर सॉरी 35 रन का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर वॉलनट का। रिया अगली गेंद राखी को देख रहा है। शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर सिक्स। ब्लेसिंग पलकल एक सिक्स। राखी कप्तान के 25 रन पूरे होते हैं। कप्तान राखी को वापस पवेलियन आना पड़ेगा। तालियों का साथ उनका तालियों के साथ सो रहे वाकई। जो 25 बनाता है उसे ही पता है वो 25 कैसे बनते हैं। बाहुबली तो है ही। छठे ओवर की आखिरी बॉल रिया नई बैटर नितिन ऑलराउंडर रिया को खेलेंगी। अच्छी जिम्मेवारी। मजेदार मैच। रिया की अगली गेंद देखना होगा धीरे से उसको। मिड विकेट की तरफ वहां पर अच्छी फील्डिंग। एक रन तब भी चुरा लिया। ओवर की समाप्ति 6 ओवर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर वॉलनट के लिहाज से काफी अच्छा रहा। सेफरन करेगी रेड बैलून अलंकृति होम डेकर जावेद हबीब 7X4 सरित होम्स ड्रीम डिजाइन इनएविटेबल फर्नीचर। अगली गेंद पारुल बॉलिंग करने के लिए आई है। नितिन को देखना होगा। अच्छी बॉल थोड़ा सा परेशानी में आई नितिन। ये सच कुछ जो खेलता है वही जानता है। बिल्कुल पारू लाइट आ मोर द विकेट। ओ अच्छी बॉल बिल्कुल सीधी। कोई मौका नहीं। नीचे रही
बैट्समैन अपना अंदाज चेंज करना चाहती थी, बैटर जो है अपना अंदाज चेंज करना चाहती थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा वो सच पकाएं शायद सोच कुछ और रही थी और उन्हें कुछ और करना पड़ा। पारुल नितिन को ओवर द विकेट और बहुत शानदार उसको डीप मिड विकेट की तरफ वहां पर ओ देखना और ये चार रन सुषमा हाजरी मिसफील्ड हुआ, चार रन खामियाजा भुगतना पड़ा महागुनी को। नितिन के खाते में चार रन, पारुल अगली बॉल नितिन को। पारुल की अगली गेंद ओवर द विकेट, पटकी गेंद धीरे से उसको वहां पर देखना होगा। ओ अच्छी फील्डिंग अनोखी, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो एक दीवार की तरह। कल भी इन्होंने बहुत रन बचाए थे, इससे पता चलता है कितनी इन्होंने मेहनत की है। तीन रन बचाए महागुनी के लिए, केवल एक रन मिला नितिन को। यकीनन अगर कोई दूसरा होता कुछ और ही यहां पर परिणाम होता। सुंदर फील्डिंग, 47 रन एक विकेट के नुकसान पर वॉलनट। बहुत अच्छा ड्राइव था मगर बॉल नीची रही। पारुल जानती है कि इस समय जो बैटर है वो कुछ और सोच रहा है, तो मुझे अपना बॉलिंग का अंदाज भी कुछ और रखना पड़ेगा। यही है क्रिकेट। रश्मि 10 रन पर खेलती हुई, फंडास देखना होगा वहां पर। ओ, एक नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, फ्री हिट। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, फ्री हिट मिलेगी वॉलनट को। रश्मि तैयार फ्री हिट के लिए। पारुल बहुत शानदार का हवा में 50 रन पूरे हिस्से में हवा में। मुझे तो लग रहा था महाबली के ऊपर से ही सिक्स जा रहा है शायद। इतना सुंदर छक्का, बढ़िया छक्का, जबरदस्त। अब तक का सबसे क्या बात है, खेल का मजा। 50 रन पूरे अनु आई है बॉलिंग करने के लिए, जो खुद एक अच्छे बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, ये तो सभी देख रहे हैं। और अब नितिन के सामने 7 ओवर 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। अनु की गेंद तेज बॉल नीची रही। मिश्रा जी अनु ने एक ओवर में 3 विकेट लिए थे, ये पहली जो हमारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी कि एक ओवर में 3 विकेट, बिल्कुल जिसका कि रिकॉर्ड इन्हीं के महागुनी के प्लेयर ने तोड़ा जी। और ये शानदार देखना होगा वहां पर, केवल एक रन। बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग नेहा के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग। रन चार हो गए थे या कितने, कैच छूटा लेकिन 3 रन बचाए। अनु अगली गेंद रश्मि को, फुटा सोती रसे, ओह बॉल से कनेक्ट नहीं हो पाई, नहीं तो ये बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन उतना ही अच्छा ड्राइव हवा में खाली रह गया। रश्मि 16 रन पे खेलती हुई, 55 रन एक विकेट के नुकसान पर। अनु देखना होगा धीरे से उसको, एक रन के लिए मिड विकेट की तरफ वहां पर कोई रन। एक बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं लगातार बॉलर के बैटर्स। अनु अपनी 5वीं बॉल फेंक, बारबेक्यू नेशन फेंकने के लिए तैयार। फाउंडेशन द नीड स्पॉन्सर साथ साथ सजाते हुए इस मैच को। अनु की अगली गेंद नितिन को, फुट पास गेंद और देखना होगा ये सिक्स। क्या नसिंग छक्का, सीधा बाउंड्री के बाहर।
और ये करा रहा तमाचा नितिन जैसे प्रतिभाशाली बैटर को अगर आपने फुल टॉस फेंका तो आया भुगतना पड़ेगा। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से छक्का, बड़ा बढ़िया। अनु अगली बॉल पटक कर सीधा उसके मैदान की तरफ देख लो, चौका ब्लेसिंग चौक लेने चौका। लॉन्ग ऑन पर तीर की तरह, बिल्कुल सही कहा आपने, तीर की तरह गया एकदम ये चौका जो है। इस तरह का स्टाइल खेलने का भी काम है हमारे। दोनों ही खिलाड़ी 17 रनों पर खेलते हुए, नितिन 17, रश्मि 17 रन 17। और अब बॉलिंग करने आई है विभा, विभा जो कि रश्मि को बॉलिंग करेंगी। विभा राइट आर्म ओवर द विकेट, रश्मि धीरे से आगे बढ़ करके उसको यहां पर जो उसने कोई मौका नहीं दिया किसी को, स्वयं बढ़ के आई वहां पर इतनी दूर से और रोका, तब तक एक रन वो रोक नहीं सकी। 67 विद लॉस ऑफ वन विकेट, बॉल नॉट। इनिंग की 11 गेंदें अब बची हुई, नाइंथ ओवर इन प्रोग्रेस। द वॉलेट स्कोर इज 67 विद द लॉस ऑफ वन विकेट। पेपर नितिन को पटकी भी गेंद, धीरे से स्कोर करा दिया, स्कोर लेग के पर सिक्स। ये था नितिन, 23 रनों पर खेलते हुए नितिन का पर्सनल व्यक्तिगत स्कोर 23। तेईस रन के व्यक्तिगत स्कोर पर नितिन विभा बॉलिंग कर रही है। नितिन को धीरे से और ये नितिन रिटायर वापस विभाग को फेस करने के लिए तैयार। विभाग की अगली गेंद ओवर द विकेट और ये धीरे से मिड विकेट की तरफ मारा वापस, ये 4 रन बारबेक्यू नेशन चौका। 83 रन 1 विकेट 83 रन। पूजा जिनका अभी तक का स्ट्राइक रेट और फुट टॉस और देख रहे हैं मसलों वहां पर बड़ी अच्छा 4 रन मिस्टर जॉय जोसना कैप्टन। और 87 रन 1 विकेट के नुकसान पर पूजा आते ही तब और तब बल्लेबाजी करना शुरू करी, 2 बॉल 8 रन। जैसे कि वो सोच के ही आई थी, उसको जो सिखाया हुआ था वही सोच के आई है वो। पिछले ओवर में 21 रन मिले फॉरनट को, रश्मि ने एक सहारा दिया हुआ है, एक तरफ रुककर और दूसरी तरफ जो भी बैट्समैन आ रहा है वो धमाधम बिल्कुल एक रन को संभाल के रखा रश्मि ने, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ बैटिंग देखने की मिल रही है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। अंतिम ओवर फेंकने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, रश्मि को नेहा और ये धीरे से उसको देखना होगा, अच्छी फील्डिंग बिल्कुल सम्मान से रोका और यहाँ सीधा अच्छा मेरे से विकेट पे भी लगी है। बेल्स पे बेल्स गिरी, बॉल विकेट पे लगी लगी पहले की गिरी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। पूजा 8 रन, नेहा पूजा फिर से
नी फाउंडेशन सीसा नेहा आराम से भाग्यवश बची अंतिम दो गेंदे तीन गेंदे बॉलर की गेंद बॉल की लास्ट की तीन गेंदे है हाउस द जोश 94 एक विकेट के नुकसान पर धीरे से इसको पार ये सेंचुरी पूरी के सौ फुल टॉस अंजलि पूजा पांडे जियो रे बाहुबली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तहलका मचाया हुआ है आखिरी बॉल क्या क्या कहते हैं आप लोगों आखिरी बॉल इसे कहते हैं क्रिकेट फॉलेट और महोगनी के बीच में ये क्रिकेट खेला जा रहा है पहले के पांच ओवर जिसमें महोगनी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और फॉलेट को बैटिंग करने के लिए बोला फॉलेट ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बैटिंग करने पहुंची और 110 का एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। हमने शुरू में देखा काफी अंकुश लगाया हुआ था बॉलर्स ने बॉलर की टीम पे लेकिन चार ओवर के बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस बॉलर की वाकई आखिरी पांच ओवर में 87 रन बॉलर ने बनाए आखिरी पांच ओवर में बहुत अच्छा प्रदर्शन आखिरी के जो ओवर्स थे उनमें बॉलर ने अपनी पूरी मन की इच्छा पूरी कर ली जो वो चाहते थे 110 रन बहुत बढ़िया रन लेकिन महोगनी कोई कमजोर टीम नहीं है मिश्रा जी बिल्कुल महोगनी का मैंने बहुत अच्छी बैटिंग देखी है और आज 10 ओवर उनके पास है 10 ओवर और 10 ओवर रन 110 10 ओवर और रन 110 जीत के लिए 111 बहुत प्यारा ना लगता है खूबसूरत माहौल भीड़ चारों तरफ अपने परिवार की और विषय है जीतेगा कौन जो जीता वो भी जो जीता वो भी अपना जो हारेगा वो भी अपना तो दोनों ही अपने हैं एक बहुत ही रोमांचक और बढ़िया मुकाबला देखने को लसिन पॉलिक्लिनिक ने अभी भी उनके जो लैब असिस्टेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कोलेस्ट्रॉल और क्रिएटिनिन के अगर कोई अपने टेस्ट फ्री में करवाना चाहता है निशुल्क तो MWCL की तरफ से ये सुविधा हमने आपको ब्लेसिंग पॉलिक्लिनिक की तरफ से दी हुई है आप फ्री में वो टेस्ट करा सकते हैं और उन्होंने कुछ कूपन भी दिए हैं ब्लेसिंग पॉलिक्लिनिक के जो सभी हम अपने प्लेयर्स को देंगे और जिन जो लोग उनकी नजर में अच्छे ताली बजाते हुए पाए गए उन्हें भी मिलेगा जो सबसे ज्यादा ताली बजाएगा उसे भी कूपन मिलेगा ड्रीम डिजाइन से अर्चना जी जो कि एक आर्किटेक्ट है हमारे बीच में है इस समय
अर्चना जी आपका स्वागत। WCL क्रिकेट मैच आप देख रही होंगी। Good evening, everyone. It's really nice to see such an enthusiastic match, and it's so wonderful that everyone is actually taking out their time. They are sitting with such an applauding. It's really fantastic. You don't see so much nowadays. People are more digital, so it's really great to have such an event. आपने ये देखा होगा अपने घर की थकान छोड़ करके और यहाँ पर ये क्रिकेट खेल रही हैं, कुछ अलग से कर रही है। ठीक इसी तरह से ये भी यहाँ पर जो है एक अपने आप को एक नई नजर खोजने की कोशिश कर रही है, एक नया टैलेंट जो हमारी बॉडी के अंदर है वो निकालने की कोशिश MWCL ने करी है। कितना अच्छा लगा आपको ये सुनकर? So happy to come here to be a part of it, because it's like women and the cricket. It was never taken seriously, but now even the kids, elders, teenagers, everyone is so much involved in it. It's really great. अश्विन जी आप एक चीज देख, आपको आज का मैच आपने देखा होगा, 110 का स्कोर है। महोगनी भी जो अब बैटिंग करने आएगी, last six as well. Fantastic. Fantastic player. Congratulations, players. आपको शुभकामनाएं अर्चना जी की तरफ से। और आप एक आर्किटेक्ट हैं महोगनी, आप अपना अपने आप को डिजाइन करेगी, तो आपके हिसाब से 110 का स्कोर, 10 ओवर उनके पास है, 110 उनको बनाने हैं, क्या एक अच्छा डिजाइनर डिजाइन कर सकता है? यस सर, आई थिंक दे कुड हैव स्कोर्ड मोर अर्लियर, इट वाज लाइक दे वर फिबलिंग, बट यस एट द एंड लेडीज द सक्सेस वर रियली ग्रेट। Women power on both sides. If you see, on both sides the players are very fantastic. They play fantastic game. अच्छा खेल खेलते हैं और उनके पास वो ताकत है बॉलिंग की, बैटिंग की और फील्डिंग की। They have that passion for the sport. That is what it matters. Thank you, अर्चना जी. Thank you. एक महिला होने के नाते मैंने आपको यहाँ पर जो है बुलाया आपका। थैंक यू सो मच। और आप एक अच्छी आर्किटेक्ट हैं, किसी को भी आर्किटेक्ट की जरूरत होगी तो वो अर्चना जी से संपर्क करेगा। इट वुड बी ग्रेट टू सर्व यू एंड स्पेशली द क्राउड, सच एन एंटरटेनिंग क्राउड इन्वॉल्वड इन इट। थैंक यू ड्रीम डिजाइनर किस जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनकी अर्चना जी से, उनकी जो हमारे स्पॉन्सर है अर्चना जी, मैं अभी उनसे ही बात कर रहा हूं। तो अर्चना जी सब हमारे यहां के सभी जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बार जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स, यू रॉक। आप मैच देखिए। थैंक यू। और इस तरह से मैं अभी बात कर रहा था ड्रीम डिजाइन हमारे स्पॉन्सर अर्चना जी से। ये मैच वॉलनट और महोगनी के बीच में हो रहा है। और मिश्रा जी आपको बीच में से जो संदेश मिले हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो संदेश हम केवल अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें खेल में मजा चाहिए और क्योंकि हमारी जीत। हाँ, मैच शुरू होने से पहले हम एक बार फिर से आपको बता दें, ब्लेसिंग्स पॉलीक्लिनिक के टेस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में हो रहे हैं। जो भी दर्शक या रेजिडेंट को टेस्ट कराना चाहते हैं, कृपया ब्लेसिंग पॉलीक्लिनिक के कैंप पर इस सुविधा का फायदा उठाएं। ये MWCL के स्पॉन्सर की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और अब खिलाड़ी वापस मैदान में आ चुके हैं। वॉलनट की टीम अपने तैयार। पारुल और नेहा, जबरदस्त तालियां फाइनेंशियल सर्विस कैरियर लॉन्चर सुषमा हौसरी, रेंजो क्रिएशन, ट्रेवल किंग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनेविटेबल फर्नीचर, ड्रीम डिजाइन, अरे होम्स, सिमेंट स्पूल्स,
जावेद हबीब होम्स प्राइड सफरन करी रेड बैलून अलंकृति होम और कैरियर लॉन्चर। ये है हमारे आज के अब तक के स्पॉन्सर जिन्होंने हमारी एस एम डब्ल्यू सी एल के प्रिया बॉलिंग करते हुए पहला ओवर की पहली बॉल ओवर द विकेट नेहा को पटकी बॉल। ये अपना अपने मंशा के एनसीएफसी से तीन खिलाड़ी को छक्का मार के थे पहली बॉल छह रन जाहिर कर दी। बॉल आ जाएगी बेटा। दूसरी बॉल डेड बॉल का इशारा अंपायर सनी की तरफ से। पटकी बॉल धीरे से उसका आवाज उठाया देख रहा होगा। ओ अल्लाह लेकिन हौसले अगर बुलंद हो तो आदमी डरता नहीं है ना कैच करने से ना शॉट मारने से। ये है क्रिकेट। पटकी बॉल धीरे से उसको देख रहा होगा वेपन मूवमेंट लॉन्ग ओ क्षति होने से बची। बैट थोड़ा हाथ से छूटा कोई नुकसान नहीं एक रन पूरा किया। हमारे इस मैच के 1015 व्यूज हैं अभी तक। देखिए कितना समर्थन लोगों का 150 लाइव व्यूअर्स हमारे इस मैच के अंतर्राष्ट्रीय कवरेज। महोगनी का 7 रन का स्कोर हो गया है। 7 रन कोई नुकसान नहीं पहला ओवर चल रहा है और ये अच्छी बॉल। प्रिया अगली गेंद ओवर द विकेट अच्छी बॉल। ओवर की समाप्ति 1 ओवर 7 रन बिना किसी नुकसान के महोगनी। जिस तरह से 110 रन बनाए गए हैं 5 ओवर के बाद वो रन ज्यादा अच्छे बने हैं। पता चलते हैं कि वो 87 रन जो बनाए हैं तो शुरू शुरू में जब बैट्समैन बैटर जब बैटिंग करने आता है तब भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। वाइड बॉल 1 रन। नितिन सेकेंड ओवर करती थी ओवर द विकेट नेहा को और शानदार शॉट वहां पर देख बढ़िया शॉट बहुत बढ़िया शॉट बारह रन बिना किसी नुकसान के बहुत ही बढ़िया शॉट नेहा की तरफ से। बहुत अच्छा ड्राइव सुंदर देखने योग्य। नितिन राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग के लिए तैयार नेहा। अच्छी बॉल फिर दोबारा से इसको बीच में रखने की कोशिश करी लेकिन वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कभी हाँ कभी ना।
ये होता है, ये होता है। बॉल भी स्लो थी, नुकसान भी हो सकता था। समझदारी दिखाई, बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। नितिन अगली बॉल के लिए तैयार। वाइड बॉल, वाइड बॉल। तेरा रन बिना किसी नुकसान के। वॉलट और महोगनी के बीच में ये मैच हो रहा है। महोगनी बैटिंग कर रही है, फिटोस और इसको हवा में उछाल दिया और ये हाथ से कैप्टन ने कैच दौड़ते हुए दूर छोर से आकर के और नेहा बैट के ऊपरी सिरे से बॉल लगी जिससे कि बॉल बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंच पाई। पहली सफलता वॉलट को नेहा के रूप में मिली। 13 रन के स्कोर पर पहला विकेट गया। 13 रन स्कोर पर पहला विकेट गया महोगनी का। कप्तान ज्योत्सना मैदान में हाजिर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर। ऊपर खेलना पड़ेगा, देखना है कैसे फेस करती हैं नितिन को। नितिन पटकी भी गेंद काफी तेज पटकने की कोशिश कर। वाइड बॉल एक रन। कैप्टन अपने बॉलर को कुछ समझाते हुए, जबकि बॉलर अनुभवी है, लेकिन सामने ज्योत्सना बिल्कुल अनुभवी ऑलराउंडर, दोनों ऑलराउंडर। नितिन दूर छोर से, ज्योत्सना और ये नीचे रही बॉल, बैट से थोड़ा तालमेल नहीं हो पाया। अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग सेट कर रखी है। 4 फील्डर ऑन साइड पर लगा रखे हैं, 2 फील्डर ऑफ साइड पर। नितिन धीरे से पटकार, ये हवा में देख रहा होगा। प्रियंका जो कि कोई कैच नहीं छोड़ती है, एक जबरदस्त मिश्रा जी, अभी उम्र बहुत है और हमारे पास बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ तो निराशा अभी तक होनी नहीं चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल अभी बहुत ओवर है महोगनी के पास खेलने के लिए, बिल्कुल निराशा के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने मैच को पलटते हुए देखा है। अभी तक जितने भी सेमीफाइनल्स भी हुए हमने काफी उतार चढ़ाव देखे। हमने चौदह रन 2 विकेट के नुकसान पर वॉलनट। सेकेंड ओवर की आखिरी बॉल, नितिन अनु नितिन अनु को फेंकती हुई ओवर द विकेट और अच्छी बॉल धीरे से उसको डीप मिड विकेट की तरफ। वहां पर तब भी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छी शॉट अनु के द्वारा खेली हुई। अगर वो बीच में ना ओवर की समाप्ति तो 4 रन होते। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर मिश्रा जी 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर महोगनी अनु स्ट्राइक पर बॉलिंग पर राखी। राखी राइट आर्म ओवर द विकेट अनु। तीसरी सफलता वॉलट को, क्लीन बॉल अनुपुरी राखी, पहली बॉल पर सफलता। झटका 15 रन 3 विकेट।
शिवांगी नई बल्लेबाज कृष्णा जी, इस समय ओवर काफी है तो बेचैनी नहीं आनी चाहिए बैट्समैन को। बिल्कुल सही बात है, बैटर को चाहिए कि वो इत्मीनान से खेले। 10 ओवर का मैच है, बहुत ओवर बाकी है, आराम से खेले, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत लंबा अभी खेलना है। हम यहाँ क्रिकेट मैच देखने आए। फुल टॉस खेल, बहुत सुंदर, अच्छा खेला। ये नो बॉल फ्री हिट, अंपायर से कोई बहस नहीं, फ्री हिट शिवांगी के लिए एक सुनहरा मौका। राखी शिवांगी को, तो इस बार ये सुंदर शॉट था, अच्छी शॉट, अच्छी फील्डिंग। 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर, सुंदर मैच, बढ़िया मैच। सुंदर शॉट, डीप कवर के ऊपर से 6 रन, बहुत बढ़िया शॉट शिवांगी का। शिवांगी बहुत ही बढ़िया शॉट। राखी राइट हम ओवर द विकेट, दोबारा सेम, क्या फील्डिंग करी है, वाह। कोई रन नहीं, प्रियंका जितनी लंबी है उतना ही झुक करके सम्मान के साथ बॉल को रोका, ये एक अच्छा फील्डर करता है वाकई। इस समय अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर, बढ़िया बढ़िया सुंदर शॉट, जबरदस्त टाइम का शॉट, जैसा मारना चाहिए वैसा ही मारा, बढ़िया। सिक्स रन, बहुत बढ़िया शिवांगी का शॉट। राखी फुल टॉस के अंदर से दोबारा वहां पर डीप कवर के ऊपर से, लेकिन कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर, 7 ओवर अभी, 7 ओवर बाकी हैं, 7 ओवर्स। बहुत इत्मीनान से खेल सकते हैं, बड़े शॉट्स लग सकते हैं। शिवांगी पहले से ही उसका नजारा दिखा चुकी है, आराम से धैर्य से बैटिंग करें। प्रियंका और धीरे से बॉल नीचे, एक रन चुराया, वाह क्या चुराया है, बिल्कुल चुपके से चुरा लिया, चुपके से चुराया है। ईशा बॉलिंग कर रही है, ईशा ईशा बॉलिंग कर रही है, ईशा ओवर द विकेट, गुड बॉल, धीरे से, बहुत अच्छी फील्डिंग, क्या बात है, लेना चाह रहे थे, है। लेकिन बॉल फील्डर के हाथ पूरा दम लगा रहे हैं मिश्रा जी कि हम जो एक भी रन नहीं लेने देंगे, एक भी रन, लेकिन अभी ओवर बहुत बचे हैं, इत्मीनान से खेला जाए। अच्छी बॉल, क्या खेला है, वाह। लेकिन ये बॉल और बैट के बीच में तालमेल थोड़ा सा बन नहीं पाया। रविवार का दिन खचाखच भरा हुआ हमारा एम्फीथिएटर 1, अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार के लोग बैठे और मैच क्रिकेट, 400 से ज्यादा। अच्छी बॉल, धीरे से उसको मारा वहां पे, लेकिन 400 से ज्यादा हमारे लाइव व्यूअर्स, 1500 से ज्यादा टोटल व्यूअर्स हो चुके हैं अब तक। ईशा अगली गेंद ओवर द विकेट, और ये वाइड बॉल, अंतिम समय तक बॉल को देखा समझा तो वेल लेफ्ट किया, छोड़ दिया। जैसे जैसे मैच बढ़ता जा रहा है व्यूअर्स की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, ईशा
फुल टॉस और धीरे से उसको मोड़ना चाहती थी, बाहरी किनारा लगा, बॉल गई सीधा तरणताल, तरण ताल में स्विमिंग करने के लिए जा रही थी लेकिन जा नहीं पाई सर्दियों के कारण। ईशा अपनी अगली गेंद, ओ नीची रही, पूरा ध्यान रखा कहां फेंकना है। ओवर की समाप्ति, 30 रन 3 विकेट 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 3 विकेट। एमसीजी के ग्राउंड खचाखच भरा हुआ, बालकनीज हमारे रेजिडेंट से भरी हुई, लोगों का उत्साह, जबरदस्त समर्थन एमडब्ल्यूसीएल 3 को। मेरे दाएं और बाएं तरफ की बालकनियां, लोग आराम से बैठ कर चाय पी रहे हैं और मैच देख रहे हैं। वाह, ऊपर लोग भरे हुए, नीचे लोग भरे हुए हैं और एमडब्ल्यूसीएल क्रिकेट मैच फाइनल चल रहा है महागुन महागुनी और वॉलर के बीच में। पूजा अपनी बॉल राउंड द विकेट, अरे और ये हवा में, और ये माय गॉड, शानदार कैच। ईशा दौड़ते हुए आई, कोई गलती नहीं की, पार्क को वापस कमरे में भेजने में। चौथा विकेट महागुनी का गिरा है, सबको बच के रहियो पागल बिल्ली, शैतान चारों काले चित्त कर देगी। तीस रन 4 विकेट के नुकसान पे रिया नई बल्लेबाज, रिया सामना करेंगी पूजा पांडे का, जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली वॉलनट की तरफ से। आज शिवांगी पानी लेते हुए, जल ग्रहण करते हुए, आराम से आराम से, मैंने पानी तो नहीं मांगा था, क्यों नहीं हो सकता है। वॉलनट और महोगनी के बीच में ये मैच चल रहा है, फाइनल मैच। पूजा राउंड द विकेट, रिया को अपनी गेंद और ये धीरे से उसको मोड़ा, वहां पर देखना होगा, अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग, और ये अच्छी अपील, अच्छी अपील, अच्छी अपील, हाथ लगा हाथ, अंपायर चुस्त सजग, मेरा वचन ही है शासक। अंपायर काफी अंतरराष्ट्रीय अनुभव, शानदार मैसेज। सनी और संजीव ये अंपायर कोई मामूली अंपायर नहीं है, और इनसे बहस करना तो बिल्कुल ही बेकार। पूजा, ओ शानदार ड्राइव, देखना होगा वापस, लेकिन एक ही रन से। अच्छा, बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन अच्छा रन चुरा है, रनिंग इन बिटवीन द विकेट, फैंटास्टिक स्कोर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पूजा और वहां पर एक हल्की सी अपील, बस यूं ही, बहुत दयनीय सी हल्की सी अपील। पूजा अगली गेंद, 32 रन राउंड द विकेट रिया को, वाइड बॉल का इशारा, 33 रन 4 विकेट, सांसें थाम कर बैठे हुए दर्शक, काफी डिसिप्लिन क्राउड हमारी। बॉलिंग बार चेंज किया, अब पूजा ओवर द विकेट बॉलिंग करेगी। और ये शानदार, देखना उसको मिड विकेट की तरफ, वहां पर कोई रन नहीं, बॉल थोड़ा सा धीमी गति में थी इसलिए चौका जाने की संभावना थोड़ा कम नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर कैप्टन राखी चुस्त प्लेयर। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर पूजा फुटबॉल,
ये जावेद हबीब सिक्सर टाइम शिवांगी 19 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर टाइम आउट। और इस समय मैं आपको बता देता हूं कोलेस्ट्रॉल और क्रिएटिनिन के टेस्ट चल रहे हैं फ्री, अगर किसी को टेस्ट करवाने हो तो वो करवा सकता है। अगर हम ओवर टू ओवर कंपेयर करें तो वॉलनट के 5 ओवर में 23 रन थे और इस समय महागुनी का स्कोर है 40 रन 5 ओवर पर। अभी कुछ भी कहा जा सकता है, बिल्कुल मैच किसी भी तरफ जा सकता है। 30 ओवर पर 71 रनों की जरूरत महागुनी को और वॉलनट को 3 विकेट की दरकार। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि 5 ओवर में जो है वो वॉलनट का स्कोर मात्र 23 रन था और जबकि इस समय इनका 40 स्कोर है, 40 ही है 40। अगले 5 ओवर में ये क्या रन दिखाते हैं, कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं, ये इस मैच का निर्णय लेके जाएगा। अपने खिलाड़ियों को कुछ समझाते हुए स्ट्रेटजी बनाते हुए हमारी भी रहेगी यार। हमारे स्पॉन्सर्स फाइनल मैच को देखने के लिए आए हुए हैं, क्षमा चाहूंगा कि मैं उनका इस समय स्वागत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैच इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है कि आप लोग यहां पर आए हुए हैं, आपका स्वागत है। रूबरू होकर मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। तो आएगी नहीं इधर, मेरी आएगी नहीं मैच बहुत इस समय ऐसी स्थिति में है कि कौन जीतेगा ये पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। 5 ओवर का मैच जो कि वॉलनट इस समय 23 रन के स्कोर पर थी और जबकि महागुनी 40 रन के स्कोर पर है, लेकिन अच्छे बल्लेबाज जो है वो थोड़ा सा पहले चले गए हैं, इस वजह से थोड़ी मेहनत है, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट क्या रहेगा, कोई भी जीत सकता है। मेनका अगली बॉलर वॉलनट की तरफ से शिवांगी और ये हर्ष में शिवांगी का पारी का अंक, बॉल काफी देर हवा में रही, कोई गलती नहीं दिखाई मेनका ने बॉल को लेने में। It was a dead ball. वाह, क्या परिवर्तन, क्या भाग्य यार, यहाँ भी वो चीज है, भाग्य परिवर्तन भगवान है। It was a dead ball. कोच और कप्तान के अलावा प्लीज कोई प्लेयर मैदान में ना आए,
कोच और कप्तान के अलावा प्लीज एक मैदान में ना आए। बहुत ही अच्छा मैच है, धैर्य बनाए रखे, बिल्कुल धैर्य बना करके रखे। वो पहली बॉल उसकी थी। शिवांगी दोबारा मैदान में एक नए जीवन दान के साथ। क्या बात है, क्या अंपायरिंग है, एक बार अंपायर के लिए तालियां। क्या बात है, स्कोर के लिए भी बढ़िया और शानदार शॉट। विकेटकीपर की तरफ देखना होगा, वहां पर अच्छी बॉल निकल रहा हो, रोका, तब तक एक रन चुराया। सनी अच्छे अंपायर हैं, उनको हमने खेलते हुए भी देखा है, अच्छे बैट्समैन हैं, फील्डर हैं, बॉलर हैं, खुद एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, क्रिकेट को समझते हैं और टूर्नामेंट के चैंपियन भी हैं। फुल टॉस और सम्मान के साथ खेला उसको। शिवांगी काफी अच्छी बैटिंग करती, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस। शानदार बॉल, सीधी बॉल थी, सीधा ही ट्रैक किया उसको। MWCL ऑर्गेनाइजर्स ने दर्शकों के लिए चाय की व्यवस्था की हुई है, जो लोग अपनी चाय पीने का आनंद लेना चाहें ले सकते हैं। अगली गेंद पटकी हुई गेंद लेकिन बदन से लगी और अंपायर चाय बैटिंग डगआउट के पीछे, जो भी दर्शक चाय का आनंद लेना चाहते हैं वो बैटिंग डगआउट के पीछे आकर के चाय ले सकते हैं। कोई भी दर्शक वॉलंटियर कोई भी नहीं, बॉलर नहीं। अगली गेंद फुल टॉस और धीरे से उसको दबा के मारने की कोशिश करी, वहां पर चार रन। नो बॉल का इशारा अंपायर। वाह, एक तो चार रन और ऊपर से नो बॉल, यानी कि पांच रन। दर्शकों के लिए एक और सूचना, ये चाय ऑर्गेनाइजर की तरफ से ऑर्गेनाइज कराई गई है, आप इस चाय गरम गरम चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। फ्री हिट शिवांगी के लिए, शिवांगी 23 रनों पे निजी स्कोर पर। एक मौका बहुत अच्छा शिवांगी को मिला है, और ये कोई गलती नहीं। फ्री हिट दूसरा जीवन दान शिवांगी। रुको जरा, सबर करो। बिल्कुल सबर करना ही पड़ेगा, फ्री हिट थी, मैं कह ही रहा था कोई गलती नहीं। तारीफ करनी होगी चुस्त दुरुस्त फील्डर की। चाय तो पीजिए लेकिन अपना चाय का, चाय पीने के बाद डस्टबिन में डालिएगा अपना जो है डस्ट। अगली गेंद कमीना है, अच्छी बॉल, स्ट्रेट ड्राइव, सुंदर, अच्छी फील्डिंग नितिन की। ओवर की समाप्ति, 46 रन, 4 विकेट, 6 ओवर 46 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दर्शक जो भी चाय का आनंद लेना चाहते हैं बैटिंग डगआउट के पीछे चाय ले सकते हैं, ये चाय ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। कोई दर्शक चाय नहीं पीता मुझे लगने का, मैच में इतना घुसे हुए हैं, है ना, कौन आएगा टेस्ट करवाने, इससे मैं देख रहा हालत, कोई नहीं आएगा। दर्शक बिल्कुल टकाटक मैच की तरफ नजर लगाए हुए, सबके पास जाकर टेस्ट करना पड़ेगा इस समय। ईशा अपना दूसरा ओवर फेंकने के लिए तैयार, रिया स्ट्राइक पर, ईशा रिया को फुल टॉस, धीरे से उसको मिड विकेट की तरफ, वहां पर अच्छी फील्डिंग, एक रन। शिवांगी जिनका अपना निजी स्कोर 23 रन। सातवां ओवर चल रहा है, ठीक है, अबे थैंक यू तो बोल। आप इसमें चाय दे दो यार, यूएसए तक वाले देख रहे हैं चाय। इसमें स्थिति ये है 23 बॉल इनके पास अभी बची है और 64 रन का स्कोर इनको बनाना है।
बाहर निकल जाना और उसको भी बुला लेना। ओह शानदार शॉट, कितना कर सकते सारी बॉल तुम ही कर रहे हो यार। शिवांगी बहुत ही धैर्य पेशेंस के साथ बैटिंग करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि 23 पे 64 बनाने हैं तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। 6 और 4 तो लगते ही हैं। शानदार, ये था सिक्सा। और शिवांगी इसी के साथ अपना और अब ज्योति बैटर आई है, यानी बैटिंग करने आई है ज्योति। ज्योति बैटर आई है और ईशा बॉलिंग मार्क पर। सनी एक सेकंड होल्ड कराइएगा। सनी और संजीव ये दोनों अंपायर हैं। स्टार्ट करें। मैच महोगनी और वॉलनट के बीच में हो रहा है। ईशा ज्योति को तिरपन रन, 4 विकेट, 53 लॉस ऑफ 4 विकेट। ईशा राइट आर्म ओवर द विकेट, ज्योति फेस करेंगी अगली बॉल। ये बॉल वाइड बॉल, एक रन मिला। ईशा ज्योति को फुल टॉस, 5 बॉलें हो चुकी हैं। लास्ट बॉल, आखिरी बॉल ईशा के ओवर की। चारों तरफ अच्छी जनता, अच्छे दर्शक, क्रिकेट मैच वॉलनट महोगनी। ईशा वाइट बॉल, इतना सन्नाटा, वाइट बॉल, एक रन मिलेगा। क्यों है भाई, राखी एक एक बॉल पर बिल्कुल ईगल की तरह नजर रखते हुए। 7वें ओवर की आखिरी बॉल, ईशा इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ओह बॉल सीधा चरणों में जाके लगी। ओवर की समाप्ति, अब चलाओ स्ट्राइक चेंज, रिया स्ट्राइक पर, 55 रन, 4 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति पर। 7 ओवर की समाप्ति पर 55 रन, 3 ओवर रह गए, यानी कि 18 गेंदे। अठारह गेंदों पे 56 रन चाहिए। सन्नाटा तो नहीं है, ये तूफान के पहले की शांति है। और ये बहुत अच्छी बॉल, क्लीन बॉल, रिया आउट होते हुए। काफी तेज बॉल, विकेट गिरा बिल्कुल बीच में। गेंदे शेष, 56 रन चाहिए। नितिन विभा को बॉलिंग करती हुई। नितिन राइट आर्म ओवर द विकेट। ओह अंतिम समय में बैट लगाया। अच्छी बॉल नितिन की,
काफी अच्छी स्पीड से आते हुए। नितिन दूसरी गेंद, अब ये तेज नीचे रही, अच्छी बॉल। राखी ने एक स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप मिड विकेट और एक मिड ऑन पर, लॉन्ग ऑन पे खुद खड़ी है। स्क्वायर डीप कवर पर एक खिलाड़ी, कवर पर एक खिलाड़ी और विकेट कीपर। ये अच्छी फील्ड सजा रखी है नितिन। काफी तेज बॉल, बॉलें कम है, स्कोर ज्यादा है, तो थोड़ा अपने हौसलों को बुलंद करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, मैं कर सकती हूं। वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिलेगा। हौसलों को बरकरार रखना है, हौसलों की उड़ान है ये, अभी भी आपके पास मौका है। आठ लोगों ने पहला वाइड लिया। नितिन विभाग, नीचे रही, ऐसा लग रहा है जैसे मिश्रा जी की, नितिन जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नितिन जो है सीधा जूतों की तरफ ही निशाना मार रही। बिल्कुल बिल्कुल, उनका इरादा विकेट की, विकेट लेने का, विकेट लेने का, क्लीन बॉल करना चाहती है। जी जी, और ये फुल टॉस बॉल धीरे से उसको बोला, बड़े नाजो नखरे से। हाँ, अच्छी फील्डिंग लेकिन उतना ही अच्छा रन। एक बच्चा चीनो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे अपनी माँ को ढूंढ रहा है, अपनी माँ, उसके पिता जहाँ कहीं भी हो वो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पीछे आ जाए। चीनो एक बच्चा हमारे साथ है, इधर कैमरा के सामने माँ मिल गई। अगली गेंद, ओह धीरे से, बॉल तेज नहीं थी लेकिन नीचे रही। अगली गेंद ओवर द विकेट, धीमी रही फिर नीचे, और ये देखना होगा इतनी खुशी के साथ। अरे विवाह हुई, विवाह इतनी खुशी के साथ जाते हुए, लगे 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 लगे। ओह अच्छा संजू भाई, ये सही से लगाने चाहिए वाला था। यू वेरी चालाक ब्रो, चालाक चालाक ब्रो, चालाक ब्रो, चालाक। वाह शिवांगी एक बार वापस अपना निजी स्कोर 25 पूरा करके वापस पवेलियन गई थी, अब वापस मैदान में आ गई हैं। 57 रन है, हर बॉल पे 6 रन की दरख्वास्त। आखिरी के दोनों प्लेयर जो कर सकते हैं यही कर सकते हैं, एक बार इन दोनों के लिए तालियां बजाइए आप। हौसला जरूर बुलंद करना चाहिए, ये मैच है हमारे परिवार में ही हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रश्मि राइट अमाउंट ऑफ विकेट, शिवांगी तरस गई क्योंकि जो ड्राइव वो लेना चाहती थी वो नहीं मिला, बॉल नीचे रह गई। इसमें धुंधक तो आती है बैट्समैन को। नौ बॉल 54 रन, रश्मि ओवर द विकेट शिवांगी को, धीरे से सीधा ड्राइव का देखना होगा वहां पर। और ये कुछ नहीं हुआ, बॉल भागती जा रही थी बाउंड्री रेखा के बाहर, फील्डर पीछे पीछे, आखिरी में उसे रोका शिवांगी। रश्मि राइट आर्म ऑफ द विकेट शिवांगी को, फिर
फुल शॉट और ये सिक्स तिरसठ रन छह विकेट के नुकसान पर आखिरी दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं। बैटर लास्ट बॉल है नवे ओवर की, दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। दस गुड नवे ओवर की आखिरी बॉल लक्ष्मी शिवांगी को ओवर द विकेट शिवांगी को और धीरे से उसको उठाया देख लो बाबा पर और ये सीधा सीधा गोगा जादूगर के हाथ में सिक्स। ये है गोगा एसडीएफसी सिक्स। शिवांगी की भरसक कोशिश पूरा प्रयत्न किसी भी तरीके मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए बहुत सुंदर शॉट सुंदर कैच बाय नूर जिनका आंखों में है हीनू बहुत सुंदर। प्रियंका पटकी भी गेंद धीरे से उसको मोड़ा वहां पर और एक रन चुराया। अच्छी पॉलिसी बहुत सुंदर खेला ज्योति। इस समय स्थिति यही है पांच बॉल 41 रन और धीरे से उसको वहां पर अच्छी बॉल तेज बॉल नीची रही चार बॉल 41 रन कोई बात नहीं हिम्मत नौ रन चाहिए। और मात्र तीन रन चाहिए शिवांगी को 50 करने के लिए। सीजन का दूसरी 50 बनाने वाली क्रिकेटर फुट अच्छी बॉल दो बॉल 35 रन मात्र औपचारिकताएं शेष MWCL 3 फाइनल आखिरी कुछ पौने तीन रन अपने 50 के स्कोर को लाने में अच्छी बॉल नीचे रही घूम रही है अभी तक और आखिरी बॉल में क्या होगा बताइए आखिरी बॉल क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। एक रन मिला सही नहीं दिखता आखिरी बॉल सेमीफाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच थी और फाइनल में भी
साथ MWSL सीजन 3 का समापन हमको मिल चुकी है। MWSL सीजन 3 के विनर वॉलनट के रूप में, वॉलनट वंडर वुमेन्स, कमाल की प्लेयर्स, वाकई में वंडर वुमेन्स हैं वॉलनट के सारे प्लेयर्स। यस वॉलनट रियल वंडर वुमेन्स। हाँ यही थे अभी, तो यही थे तो क्या हो गया? गंभीर को देखा है, जश्न का माहौल। नहीं नहीं यही हूँ, सेमीफाइनल और फाइनल में
Clear of the match, clear of the match. Clear of the match. प्लेयर ऑफ द मैच है हमारे आज के मैच की फाइनलिस्ट टीम से नितिन जी, शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन है आपका। प्लेयर ऑफ द मैच जोश, उमंग, तरंग, रोमांच से भरा ये MWCL 3। अपना ऋण चुका दिया है, गुरु दक्षिणा दे दी। अल्लाह अल्लाह खिलाड़ी है, उसको थोड़ा सा एंजॉय करने की चले दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। दर्शक थोड़ा सा पीछे हो जाए, बजाना तब तक तो अपना दर्शक थोड़ा सा पीछे रहे। मैं ऑर्गेनाइजर बहुत ही चाहे तो ना के दर्शक चाहे हमारे बीच में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, मेरी टीम से गुजारिश है, टीम से गुजारिश है कि अपने दोस्त को पहले प्लेयर ऑफ द मैच करा देते हैं, एक बार ना प्लेयर ऑफ द मैच करा देते हैं क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल वापसी करेंगे, अभी बहुत बढ़िया खेला आपने, पीछे जा भी हट जाओ। के साथ टूर्नामेंट का समापन, आप सभी लोगों का आभार साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए।
धन्यवाद।